हेलो मॉडर्न किड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं बच्चों आप सब? हो बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके किड्स, दिस इज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट, सो टेक आउट योर कंप्यूटर बुक एंड ओपन पेज नंबर 37 फॉर द कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 1 to 4। ओके सो स्टार्ट करेंगे। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। किड्स यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया है जिसके हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अपीयर एट और बिलो द बेस लाइन। बेस लाइन के जो बिलो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर क्या दिया है, सुपर स्क्रिप्ट। तो फर्स्ट में आपको फिल करना है सुपर स्क्रिप्ट। सेकेंड, व्हेन द वर्टिकल साइज इज अ ग्रेटर देन द हॉरिजेंटल साइज द पेज ओरिएंटेशन इज सेट टू बी पोर्ट्रेट। ओके, सेकेंड में आपको पोर्ट्रेट फिल करना है। थर्ड, ए फुटर इज प्रिंटेड एट द ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो किड्स आप सभी जानते हैं फुटर कहाँ पे राइट किया जाता है। फुटर आपका बॉटम ऑफ द स्क्रीन होता है। सी में आपको बॉटम फिल करना है। नंबर फोर इज यूज व्हेन यू वांट टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन आइटम टू अनदर। ओके, वन कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए, एक आइटम से दूसरे आइटम की कॉपी के लिए हम कहाँ पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करते हैं। ओके, फॉर्मेट प्रिंटर को हम सेलेक्ट करते हैं। तो नंबर फोर में किड्स हम फॉर्मेट प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। ओके, नंबर फाइव इज रिफर्स टू ब्लैंक स्पेस अराउंड द एज ऑफ द पेज। ओके, हमारे जो पेज के अराउंड में ब्लैंक स्पेस होते हैं वो क्या होता है हमारा किड्स, पेज मार्जिन होता है। तो नंबर फाइव में आपको पेज मार्जिन फिल करना है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट में सुपर स्क्रिप्ट आपको फिल करना है। सेकेंड, पोर्ट्रेट। थर्ड, बॉटम। फोर्थ, फॉर्मेट प्रिंटर। एंड लास्ट में आपको पेज मार्जिन फिल करना है। ओके किड्स, वी विल सी एक्सरसाइज नंबर सेकेंड। दिस इज एक्सरसाइज नंबर सेकेंड, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर वन क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन है जिसमें से वन क्या है, राइट है, जिस पे आपको टिक करना है। सो स्टार्ट करेंगे। व्हेन द हॉरिजेंटल साइज इज ग्रेटर देन द वर्टिकल साइज देन इट इज कॉल्ड। ओके, जब आपका हॉरिजेंटल साइज किससे ज़्यादा हो जाता है वर्टिकल साइज से, उसे हम क्या किस नेम से जानते हैं किड्स, लैंडस्केप के नाम से जानते हैं। ओके, सेकेंड, ए हेडर इज प्रिंटेड। यू नो वेरी वेल हेडर कहाँ पे प्रिंट किया जाता है, हेडर हेड पे प्रिंट किया जाता है, टॉप पर, तो इन द टॉप मार्जिन। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ स्पेस लेफ्ट बिटवीन द पैराग्राफ फ्रॉम आइदर द लेफ्ट और द राइट मार्जिन। ओके किड्स, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस अमाउंट ऑफ स्पेस लेफ्ट बिटवीन द पैराग्राफ, पैराग्राफ के लेफ्ट में या तो ये इसके राइट में जो मार्जिन होता है वो हम किसके थ्रू सेट करते हैं, तो ये आपका पेज इंडेंटेशन होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर यूज टू अलाइन टेक्स्ट। ओके, अलाइन टेक्स्ट हम किस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, तो ये आपका इंडेंट में भी होता है और ये टैब्स में भी होता है। ओके, इसके भी फोर पार्ट्स होते हैं और इसके भी फोर पार्ट्स होते हैं, तो इसमें आपको कहाँ पर टिक करना होगा, नंबर थर्ड में, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, एक बार फिर से देखेंगे इसे किड्स। फर्स्ट में आपको लैंडस्केप पे करना है, सेकंड में इन द टॉप मार्जिन, सी पेज इंडेंटेशन, एंड फोर्थ बोथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, नाउ विल बी सी लास्ट एक्सरसाइज, मींस एक्सरसाइज नंबर फोर। दिस इज एक्सरसाइज नंबर फोर, राइट टी फॉर ट्रू एंड अप फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सो स्टार्ट करेंगे। जो स्टेटमेंट आपका राइट होगा वहाँ पर आप ट्रू का यूज करेंगे और जहाँ फॉल्स होगा वहाँ पर आप फॉल्स का यूज करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज पेज इंडेंटेशन इज द लेआउट पोजीशन ऑफ ए पीस ऑफ पेपर इन विच ए डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड। तो किड्स ये जो फीचर दिए गए हैं ये आपके पेज इंडेंटेशन के नहीं है, ये आपका ओरिएंटेशन का है, तो इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस आपका क्या होगा, फॉल्स। सेकेंड, कॉलम फॉर्मेटिंग इनेबल्स यू टू मेक कॉलम सच एज इन न्यूज़पेपर। ओके, आपका जो कॉलम फॉर्मेटिंग होता है क्या वो जो न्यूज़पेपर आता है उसमें जो कॉलम्स डिवाइड होते हैं उस तरह से करने में वो समर्थ है, यस डेफिनेटली वो समर्थ है, तो आपका सेकेंड क्या होगा, राइट। थर्ड इज सुपर स्क्रिप्ट अपीयर्स एट और बिलो द बेस लाइन, रॉन्ग। सुपर स्क्रिप्ट आपका जो है बिलो द लाइन नहीं होता, ये आपका कहाँ होता है, अबव द बेस लाइन होता है। ओके, तो आपका थर्ड सेंटेंस क्या होगा किड्स, फॉल्स होगा। फोर्थ देखेंगे, लेफ्ट इंडेंट्स मूव द राइट मार्जिन ऑफ ए पैराग्राफ टू द लेफ्ट, तो ये आपका किड्स फॉल्स होगा। ओके, अगर यहाँ पर राइट होता तब ये आपका क्या होता,
सही होता है, बट यहाँ पर क्या दिया है, लेफ्ट, इट मीन्स आपका फोर्थ सेंटेंस इज रॉन्ग. लास्ट इज ए हेडर इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो बेटा ये तो जाहिर सी बात है कि ये आपका फॉल्स ही होगा, क्योंकि आपका जो हेडर होता है वो कहाँ पर प्रिंटेड होता है, वो टॉप पर प्रिंटेड होता है, ना कि बॉटम पर. ओके तो ये आपका क्या होगा किड्स, फॉल्स होगा. एक बार फिर से देखेंगे, फर्स्ट में आपको क्या फिल करना है, फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स एंड लास्ट फॉल्स. ओके किड्स, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा 1 to 4 एक्सरसाइज, इसे आपको बुक में ही कंप्लीट करना है. ओके, हैव ए गुड डे.